किसी गांव में अंजलि नाम की एक काली बदसूरत लड़की रहती थी। बदसूरत होने के साथ साथ अंजलि बहुत ज्यादा लालची और मतलबी थी। वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन अंजलि के बुरे स्वभाव की वजह से कोई भी लड़की उसके पास मेकअप करवाने नहीं आती थी। फिर एक दिन अंजलि के पार्लर के सामने से दो लड़कियां गुजर रही थी, तभी अंजलि उन्हें आवाज देकर रोकती है। सुनो, मेरे पार्लर में बढ़िया ऑफर चल रहा है, अगर कोई लड़की मेरे यहाँ मेकअप करवाएगी तो मैं उसकी सहेली का मेकअप मुफ्त में करूँगी। क्या तुम दोनों इस ऑफर का फायदा उठाना चाहती हो? अंजलि की बात सुनकर दोनों लड़कियाँ हंसने लगती हैं। अरे हमें तेरे बारे में सब पता है, जैसी तेरी शक्ल काली है वैसे ही तेरा मन काला है। हाँ, तू लड़कियों को उल्लू बनाकर उन्हें लूटती है, हमें सब पता है, इसलिए हमें तुझसे मेकअप नहीं करवाना, चल हट, हमारा रास्ता छोड़। इस तरह अंजलि को खरी खोटी सुनाकर वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। इस बात से अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन अंजलि शहर से कुछ सामान खरीदकर अपने गांव की ओर लौट रही थी। चलते चलते अंजलि बुरी तरह थक जाती है और उसे प्यास लगने लगती है। अरे मुझे तो जोरों की प्यास लगी है, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई नदी भी नहीं दिखाई दे रही। तभी अंजलि की नजर एक कुएं पर पड़ती है। अंजलि कुएं के पास पानी पीने पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक उस कुएं के अंदर से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकल के आती है। चुड़ैल के शरीर पर बहुत सारे कीमती गहने थे, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, लगता है ये चुड़ैल बहुत पैसे वाली है। कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? क्या बताऊँ चुड़ैल जी, मैं एक गरीब दुखी लड़की हूँ, मेरी बदसूरती की वजह से सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं एक पार्लर चलाती हूँ, लेकिन कोई भी लड़की मेरे पार्लर में मेकअप करवाने नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ आत्महत्या करने आई हूँ। इतना कहकर अंजलि जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये बेचारी तो बहुत दुखी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद चुड़ैल अंजलि को कुएं के अंदर ले जाती है। कुएं के अंदर चुड़ैल का एक बहुत ही खूबसूरत कमरा था। उस कमरे में एक जादुई आईना रखा हुआ था। चलो अब तुम जादुई आईने के अंदर चली जाओ, उसके बाद तुम इस जादुई आईने का कमाल देखो। अंजलि फौरन ही जादुई आईने के अंदर चली जाती है। उस आईने के अंदर दो खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी। वो दोनों मिलकर अंजलि का मेकअप करने लगती है और उसे सुंदर ड्रेस पहना देती है। देखते ही देखते अंजलि बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। उसके बाद अंजलि जादुई आईने से बाहर निकल आती है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल हो गया, मैं तो परियों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। अब तुम जिंदगी भर इसी तरह खूबसूरत रहोगी, अब तुम्हारी खूबसूरती देखकर सभी लड़कियां तुमसे ही मेकअप करवाएंगी। उसके बाद चुड़ैल अंजलि को उसके गांव की सीमा पर पहुंचा देती है। फिर अगले दिन अंजलि जैसे ही अपने ब्यूटी पार्लर में जाती है, तभी उसकी खूबसूरती देखकर सड़क से गुजर रही लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। अरे अंजलि, तुमने कौन सा मेकअप लगाया है, तुम तो राजकुमारी की तरह खूबसूरत लग रही हो। हाँ, अगर तुम हमें अपनी तरह खूबसूरत बना दो तो हम तुम्हें मुँह मांगे पैसे देंगे। हाँ हाँ, तुम हमसे जितने चाहे उतने पैसे ले लो, बस हमें अपनी तरह खूबसूरत बना दो। अरे ये क्या, ये लड़कियाँ तो खूबसूरत बनने के लिए मुझे मुँह मांगे पैसे दे रही है। मुझे चुड़ैल का जादुई आईना चुरा कर लाना होगा, उसके बाद मैं रोज ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। अरे तुम क्या सोच रही हो, तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। तुम दोनों अपनी बाकी सहेलियों को भी लेकर आओ और यहाँ पर कल आ जाना, मैं सभी लड़कियों को अपनी तरह खूबसूरत बना दूंगी। उसके बाद अंजलि एक मिठाई की दुकान से ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद लेती है और उनमें बेहोशी की दवा मिला देती है। फिर अंजलि सारी मिठाइयाँ लेकर चुड़ैल के कुएं के पास पहुँच जाती है। चुड़ैल जी, आपने मुझे खूबसूरत बनाकर मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आपके लिए एक स्वादिष्ट मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। अरे वाह, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। उसके बाद चुड़ैल मिठाइयाँ खाना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके बाद अंजलि कुएं के अंदर जाकर चुड़ैल का जादुई आईना चुरा लाती है। फिर अगले दिन अंजलि के पार्लर के सामने सभी लड़कियाँ खूबसूरत बनने के चक्कर में इकट्ठा हो जाती हैं। देखो मैं तुम सबको खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए देने होंगे। तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे,
बस हमें अपनी तरह खूबसूरत बना दो। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है। उसके बाद वो सभी लड़कियों को एक एक करके जादुई आईने के अंदर भेज देती है, लेकिन आईने के अंदर बहुत सारी डरावनी चुड़ैल मौजूद थी। वो सारी चुड़ैलें अंदर आने वाली लड़कियों को पकड़कर उन्हें पीटना शुरू कर देती है। अरे मर गई रे, यहाँ तो ढेर सारी चुड़ैल है, अरे कोई बचाओ मुझे। हाय मर गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई इन चुड़ैलों से मेरी रक्षा करो। अपने नुकीले नाखूनों से उनके चेहरे को नोचकर बदसूरत बना देती है। उसके बाद वो सभी लड़कियां किसी तरह अपनी जान बचाकर आईने से बाहर निकलती हैं। चुड़ैलों से मार खाने के बाद वो सारी लड़कियां गुस्से से आग बबूला हो गई थी। फिर वो सभी लड़कियां मिलकर अंजलि की पिटाई करके उसके हाथ पैर तोड़ देती है। अगर दोबारा तूने इस तरह की हरकत की तो हम तुझे जान से मार देंगे। अरे अचानक मेरे साथ ये सब क्या हो गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई मुझे अस्पताल पहुँचा दो। दूसरी तरफ जादुई आईना हवा में उड़ता हुआ चुड़ैल के कुएं में पहुंच जाता है। फिर उस दिन की घटना के बाद से अंजलि हमेशा के लिए सुधर जाती है और जिंदगी में दोबारा कभी लालच नहीं करती। एक दिन राजू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी पेड़ के ऊपर बैठी एक चुड़ैल उसे देख लेती है। फिर चुड़ैल एक औरत का रूप धारण करके राजू के सामने पहुँच जाती है। सुनो बच्चे, आज के दिन मैं गरीबों में सोने के अंडे बांट कर उनकी मदद करती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम बहुत गरीब हो। आपने बिल्कुल सही पहचाना आंटी, मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती है, बड़ी मुश्किल से मेरा और मेरी माँ का गुजारा होता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लो दो सोने के अंडे, इन्हें घर ले जाकर अपनी माँ के साथ खा लेना, उसके बाद तुम दोनों के मुँह से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर गिरेंगे। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो चुड़ैल से दोनों सोने के अंडे लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद राजू अपनी माँ को सारी बात बताता है। राजू की बात सुनकर उसकी माँ बड़ी खुश होती है। चलो माँ, इन दोनों अंडे को उबालकर खा लेते हैं। बेटा मेरा आज उपवास है, इसलिए तू इन दोनों अंडों को खा ले। इसके बाद राजू दोनों अंडों को उबालकर खा जाता है, लेकिन देखते ही देखते राजू का शरीर एक अंडे के रूप में बदल जाता है। अरे नहीं, ये सब क्या है। तभी खिड़की के रास्ते चुड़ैल घर में दाखिल हो जाती है और अंडा बने राजू को उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे कोई रोको चुड़ैल को, मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते चुड़ैल हवा में उड़कर वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। उसके बाद राजू की माँ गाँव वालों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। देखो वो चुड़ैल जंगल की ओर गई है, तुम सब मेरे साथ चलो, उस चुड़ैल को मारकर मेरे बच्चे को बचा लो। नहीं नहीं, तेरी वजह से हम सब अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाले। हाँ इसने सही कहा, भला कोई इंसान कभी चुड़ैल का सामना कर सकता है क्या, वैसे भी अब तक तो चुड़ैल बच्चे को मारकर खा गई होगी, अब तू अपने बच्चे को भूल जा। इस तरह गाँव का कोई भी इंसान राजू की माँ की मदद ही नहीं करता। बेचारी राजू की माँ दुखी होकर बहुत रोती है। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तभी चुड़ैल आइसक्रीम वाली बनकर उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, अंडे वाली आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी स्वादिष्ट अंडे वाली आइसक्रीम। अरे वाह, ये आंटी अंडे वाली आइसक्रीम बेच रही है, आज तक मैंने अंडे वाली आइसक्रीम के बारे में नहीं सुना। लगता है ये नए तरीके की आइसक्रीम है, चलो आंटी से आइसक्रीम के बारे में पूछते हैं। फिर वो सभी बच्चे चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। प्यारे बच्चों, तुम सब अंडे से बनी आइसक्रीम खाना चाहते हो, ये देखो मेरे पास ढेर सारी आइसक्रीम है। लेकिन आइसक्रीम खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बच्चों से पैसे नहीं लेती। उसके बाद चुड़ैल उन सभी बच्चों को ढेर सारी अंडे की आइसक्रीम देती है। अब तुम सब इन आइसक्रीम को घर ले जाकर अपने माता पिता के साथ खा लेना। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सभी बच्चे अपने घर पहुँच जाते हैं और अपने परिवार के साथ बैठकर अंडा आइसक्रीम खाने लगते हैं। देखते ही देखते उन बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी अंडे के रूप में बदल जाते हैं। फिर चुड़ैल गाँव में दाखिल हो जाती है और अंडे बने सभी इंसानों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कुछ गांव वाले चुड़ैल को देख लेते हैं
ये नजारा देखकर गांव वालों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल सारे अंडे इकट्ठे करके जंगल की ओर चली जाती है। अरे आज वो चुड़ैल गांव के बहुत सारे लोगों को अंडा बनाकर अपने साथ ले गई है। लगता है अब अगली बार हम सब की बारी है। मैंने तो तुमसे उस दिन भी कहा था कि चलो जंगल जाकर चुड़ैल को मारते हैं, लेकिन तुम सब ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख लेना, वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ चुड़ैल रोज किसी न किसी बहाने गांव वालों को अपने भूतिया अंडे खिलाकर उन्हें अंडों के रूप में बदल देती थी। इस तरह देखते ही देखते चुड़ैल बहुत सारे लोगों को अंडा बनाकर अपनी गुफा में कैद कर लेती है। बस बहुत हो गया, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना इस गांव में कोई नहीं बचेगा। इसके बाद राजू की माँ मदद मांगने उस राज्य की राजकुमारी के पास पहुँच जाती है। वो राजकुमारी बहुत बहादुर थे, उसने कई प्रकार का जादू भी सीखा था। राजू की माँ से सारी बात जानने के बाद राजकुमारी को चुड़ैल के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। फिर राजकुमारी अपनी जादुई चिड़िया के ऊपर सवार हो जाती है और हवा में उड़ती हुई जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे वहां पर एक बड़ा सा खेत दिखाई देता है। उस खेत में चारों तरफ ढेर सारी अंडे की फसल लगी हुई थी। दूसरी तरफ चुड़ैल फसल के ऊपर जानवरों का खून छिड़क रही थी। अच्छा, तो ये चुड़ैल यहाँ भूतिया अंडों की खेती करती है, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद राजकुमारी अपनी चिड़िया के साथ चुड़ैल के सामने पहुंच जाती है। तेरा भांडा फूट गया है दोस्त चुड़ैल, अब तू नहीं बचेगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मैं तेरी पिटाई करके तुझे जबरदस्ती अपना भूतिया अंडा खिला दूंगी, उसके बाद तू भी एक अंडे के रूप में बदल जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल राजकुमारी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी राजकुमारी की चिड़िया अपनी चोंच से चुड़ैल की चोटी को पकड़ लेती है। फिर राजकुमारी अपनी तलवार निकालकर चुड़ैल की चोटी काट देती है और चोटी कटते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। अरे मर गई रे, मेरे शरीर में आग लग गई, कोई मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उसके बाद राजकुमारी चुड़ैल की गुफा में पहुंचती है। फिर राजकुमारी की चिड़िया वहां मौजूद सभी अंडों के ऊपर अपनी चोंच मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सारे अंडे इंसान के रूप में बदल जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी सभी को सही सलामत उनके घर पहुंचा देती है। अपने बेटे को जिंदा देखकर राजू की माँ बहुत खुश होती है। इस तरह उस बुरी चुड़ैल का अंत हो जाता है और गाँव के सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। शैतानपुर में टीना नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। टीना रोज ठेले पर मटका मैगी बेचा करती थी। टीना, जब से मैंने तुम्हारी मटका मैगी खाना शुरू की है, तब से तो मैं घर पर खाना ही नहीं खाती। सच में तुम्हारी मटका मैगी का जवाब नहीं है। हाँ टीना, तुम बहुत ही स्वादिष्ट मटका मैगी बनाती हो। इस तरह सभी चुड़ैलें टीना की मैगी की तारीफ किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे टीना के अंदर घमंड और लालच घर कर जाता है। फिर एक दिन टीना को पता चलता है कि इंसानों को मैगी खाने का बड़ा शौक है और वो सारे के सारे महंगी कीमत पर भी मैगी खरीद के खाते हैं। फिर अगले दिन टीना अपने आप को एक औरत के रूप में बदलकर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। ये जगह बढ़िया है, अब मैं यहाँ पर अपनी मटका मैगी बेचूंगी। उसके बाद टीना मैगी बनाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ से गुजर रहे लोगों की नजर टीना पर पड़ती है। मैगी की खुशबू से सभी लोग आकर्षित होकर टीना के पास चले आते हैं। फिर वो सभी टीना चुड़ैल से मटका मैगी खरीद कर खाने लगते हैं। तुम्हारी मैगी तो बहुत टेस्टी है, अब से मैं रोज तुम्हारे पास मैगी खाने आऊंगा। सच में तुम्हारी मटका मैगी का जवाब नहीं, चलो मुझे 2 प्लेट मटका मैगी पार्सल दे दो। इस तरह मैगी बेचकर उस दिन टीना चुड़ैल बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। अरे वाह, एक ही दिन में मेरी इतनी सारी कमाई हो गई। शैतानपुर में तो इतने पैसे कमाने के लिए मुझे 1 महीने का इंतजार करना पड़ता था, अब से मैं रोज यहाँ आकर मैगी बेचूंगी। फिर अगले दिन से टीना चुड़ैल रोज अपना रूप बदलकर इंसानों को मटका मैगी बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ज्यादा पैसे कमाने से वो अपने घर में महंगी चीजें खरीद कर लाने लगती है। क्या बात है टीना, आजकल तू बहुत महंगी महंगी चीजें खरीद कर ला रही है, लगता है तू बहुत सारे पैसे कमा रही है। हाँ तूने सही कहा, लेकिन ये पैसे मैं इंसानों को मैगी बेचकर कमा रही हूँ। मैं रोज रूप बदलकर इंसानों के बीच मैगी बेचने जाती हूँ।
ये सुनते ही टीना की सहेली बिल्कुल हैरान हो जाती है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे लालच में पढ़कर इस तरह गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन इंसानों को तेरी असलियत पता चल गई, तो सोच तेरा क्या हाल होगा। अरे मैं किसी इंसान से नहीं डरती, भला किसी इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ जो हम चुड़ैलों का सामना कर सके। देख मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, लेकिन टीना चुड़ैल पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो इंसानों को मैगी बेचना जारी रखती है। इसी तरह एक दिन टीना चुड़ैल मैगी बेच रही थी, तभी एक तांत्रिक की नजर उस पर पड़ती है। टीना को देखते ही तांत्रिक को उसकी असलियत पता चल जाती है। अरे ये तो एक चुड़ैल है, ये औरत का रूप धारण करके यहाँ मैगी बेच रही है। अब मैं इस चुड़ैल को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद वो तांत्रिक टीना चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जादुई राख फेंक देता है। उस राख की वजह से टीना अपने असली रूप में आ जाती है। उसे चुड़ैल के रूप में देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये मैगी वाली तो एक चुड़ैल निकली। इसका मतलब ये इतने दिनों से हमें धोखा दे रही थी, लगता है इसके पीछे कोई गहरी साजिश है भाई। तांत्रिक जी आप इस धोखेबाज चुड़ैल को जान से मार दीजिए। तुम सब चिंता मत करो, अब ये चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं पकड़कर इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर टीना चुड़ैल को एक बोतल के अंदर कैद कर देता है। देखो मैंने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, दया करके मुझे छोड़ दो। अब तू चाहे जितने भी आंसू बहा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद तांत्रिक टीना चुड़ैल को अपनी गुफा में ले जाता है। अब मैं तुझे मारकर तेरी हड्डियों का इस्तेमाल अपनी काली विद्या के लिए करूंगा। ये सुनकर टीना चुड़ैल डर से रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ टीना चुड़ैल की दो सहेलियां आ जाती हैं। तुझे डरने की जरूरत नहीं है टीना, हम तुझे बचाने आ गए हैं। इससे पहले कि तांत्रिक कोई हरकत कर पाता, ये दोनों चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और अपने नुकीले नाखूनों से तांत्रिक के शरीर को काटकर उसे जान से मार देती हैं। तांत्रिक के मरने के बाद वो दोनों बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ देती हैं। इस तरह टीना चुड़ैल आजाद हो जाती है। मैंने तुझे समझाया था ना कि लालच में पड़कर कोई गलत काम मत करना। अगर आज हम दोनों सही वक्त पर नहीं आते तो तुझे तांत्रिक जान से मार देता। तूने सही कहा, आज मुझे मेरा सबक मिल गया है, अब मैं जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगी। उस दिन की घटना के बाद से टीना चुड़ैल पूरी तरह सुधर जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और टीना चुड़ैल दोबारा शैतानपुर में मटका मैगी बेचते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।